साहिबगंज जिले में पुलिस प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी आपराधिक वारदात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं जिले के राजमहल पुलिस ने थाना क्षेत्र के बेगमपुरा स्थित झमझमिया काली मंदिर के पास रेलवे ट्रैक के किनारे से एक युवक का शव मंगलवार की सुबह बरामद किया। ऐसा प्रतीत होता है कि युवक का हत्या करने के बाद शव फेंका गया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे अपराधियों का मकसद हत्या को आत्महत्या का रूप देने का होगा। जांच के बाद शव की पहचान तीन पहाड़ निवासी रंजीत मंडल के 25 वर्षीय पुत्र तुषार कांत मंडल के रूप में हुई। पिछले कुछ समय से पिता के बीमार रहने के कारण तुषार खुद टेंट का कामकाज देख रहा था। तुषार के पिता का तीन पहाड़ में प्रसिद्ध टेंट हाउस का कारोबार है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक तुषार दो दिन पहले अपनी बाइक से राजमहल थाना क्षेत्र के महाजन टोली स्थित अपने मामा कुमुद रंजन राय के यहाँ गया था। घटना वाली शाम मृतक की मां ने तुषार को कॉल करा कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, जल्दी घर आ जाओ, पंडाल बुक कराने के लिए लोग आ रहे हैं। जिसके बाद तुषार रात के 8 बजे तक पीन पहाड़ लौटने की बात कर फोन काट दिया। लेकिन जब अधिक रात होने लगी तो तुषार की मां ने कॉल किया तो फोन बंद आया। परिजनों का मन आशंका से भर उठा, जिसके बाद परिजनों के द्वारा खोजबीन की जाने लगी, लेकिन तुषार का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। मामले को सुलझाने के लिए दुमका से डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया गया। तुषार के परिजन मंगलवार की सुबह ही अपने पुत्र की खोजबीन को निकल गए। इसी बीच परिजनों को सूचना मिली कि पुलिस ने झमझमिया काली मंदिर के समीप रेलवे लाइन के किनारे एक शव बरामद किया है। आनन फानन में परिजन घटनास्थल पहुंचे, जहां अपने बच्चे की लाश देखकर परिजनों का कलेजा फट गया। जवान बेटी की लाश देख माँ और पिता दोनों बेसुध हो गए। परिवार के अन्य लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है। मुझे घटना के संबंध में आपका मृतक कौन लगता है? भगनल है। कैसे घटना हुई, कब घर से निकला था? घर से करीब 5:30 बजे के आसपास, 5:30 बजे निकला कल सोमवार कल रात जी, घर जाने के लिए। अपना घर जाने के लिए तीन पहाड़। उसके बाद फिर उसका स्विच ऑफ पाया गया, घर भी नहीं पहुंचा। एक दो घंटे बाद खबर आया कि स्विच ऑफ है उसका, अभी तक तीन पहाड़ नहीं पहुंचा। फिर हम लोग जो है खोजने के लिए निकले, सड़क पे खोजे, काफ़ी इधर उधर खोजे। फिर खोजने के बाद 1 बजे करीबन हम लोग वापस अपने घर आ गए। फिर सुबह खबर मिला कि जो है रेल लाइन के साथ वो रेल लाइन के पास वो मरा पड़ा था। टेंट हाउस व्यवसायी रंजीत मंडल का एक पुत्री और एक पुत्र तुषार था। दो भाई बहन में तुषार बड़ा था। तुषार दिल्ली में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करता था। पिता के अस्वस्थ होने पर दिल्ली से वापस घर तीन पहाड़ आकर अपने पिता के कारोबार में हाथ बटा रहा था, परंतु भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। वहां इस मामले को लेकर राजमहल DSP प्रदीप उर्राव ने बताया कि घटना को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। पुलिस मामले को गंभीरता पूर्वक जांच कर रही है। SP के निर्देश पर राजमहल थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिस बलों का एक टीम का गठन किया गया, जिसके नेतृत्व में पुलिस मामले की जांच कर रही है। तुम्हारी DSP ने बताया कि दुमका से इस मामले को सुलझाने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई है, जिसके जरिए से सबूत तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन किया जाएगा। एकदम फाटक से 100 मीटर की दूरी पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये का रूप देने का कोशिश किया गया है। और इस कांड का उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। उस टीम में लोकल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब सब लोग हैं। इस कांड को डिटेक्शन करने के लिए जो भी अनुसंधान का SOP रहता है, वो SOP के तहत हम लोग डिटेक्शन करके क्रिमिनल जो भी हैं इसमें संलिप्त, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा।